ये मेरे पास GX6005 रिसीवर आया है जिसके अंदर रेड लाइट का फॉल्ट नहीं था, इसमें सिग्नल आईसी का फॉल्ट था। मैंने सिग्नल आईसी लगाई, तब्दील की और उसके बाद ये जब से मैंने सिग्नल आईसी लगाई है तब से रेड लाइट पे आ चुका है। तो मैंने 3-4 इसके ऊपर आईसी जो है वो तब्दील कर चुका हूँ, मगर फिर भी ये रेड लाइट पर जा नहीं रहा। तो मैंने प्रॉब्लम एक और नोट की है, वो आपको मैं बताता चलूँ। सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा इसके वोल्ट सारे एक्यूरेट आ रहे हैं। पहले चल रहा था, सिग्नल का फॉल्ट था, 16 पर खड़ा था। अभी मैंने सिग्नल आईसी चेंज की है, फिर ये ऑन नहीं हो रहा। ठीक, कभी कभी ऑन हो जाता है, कभी कभी ऑन नहीं हो रहा था। उसको मसला ये है कि इसके अंदर ये PF जो लगा हुआ है ये थोड़ा सा शार्ट है। तो PF यहाँ पर 3.3 वोल्ट जा रहे हैं, मगर ये PF को निकालते फिर ऑन हो जाता है, PF को लगाते हैं फिर ऑन नहीं होता। आपको मैं अभी दिखा देता हूँ, यहाँ देखे अभी दोस्तों मैंने हाथ डाला है तो ये अभी ऑन हो चुका है। ठीक है, अभी मैं इसको फिर से बंद करके चालू करता हूँ। यहाँ पर देखें दोस्तों,